देख रहे हैं सच दर्शन। पश्चिमी दिल्ली के डी ब्लॉक सागरपुर इलाके में स्वराज अभियान ने अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और जन जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान ने पश्चिमी दिल्ली के लोगों को जोड़ने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हुए अपने कार्यालय की स्थापना की, जिसके चलते इलाके के लोगों ने पुरजोर हिस्सा लेकर अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और अभियान द्वारा दिल्ली और देश में स्वराज की स्थापना के लिए अपना पूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया। इस मौके पर स्वराज अभियान की कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और इस अभियान द्वारा भ्रष्टाचार और राजनीति में सुधार और बदलावों पर भी बातें की गई। खोल रहे हैं स्वराज केंद्र, तो स्वराज केंद्र वही रहेगा, लेकिन उस मकसद से जो हम चलाएंगे 30 मार्च, ये पूरे साल भर चलता रहेगा, पूरे देश में चलेगा, लेकिन शुरुआत हम अपनी गली से 30 जनवरी को करने जा रहे हैं। स्वराज केंद्र उस बुनियादी काम को करने की कोशिश कर रहा है जो पिछले बरसों बरस से रुका हुआ। हालांकि पश्चिमी दिल्ली में ये पहला कार्यालय है, लेकिन हर विधानसभा में स्वराज का कार्यालय खोलने की तैयारी भी स्वराज अभियान द्वारा की जा रही है। ऐसे में सदर्शन की टीम ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों से बातचीत की। आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के प्रथम स्वराज केंद्र का उद्घाटन हुआ है, लेकिन दिल्ली के अन्य संसदीय क्षेत्रों में स्वराज केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया पहले से चल रही है। हमारा लक्ष्य है कि 26 जनवरी तक हम 100 स्वराज केंद्र स्थापित करें, जो मोहल्ला सरकार की तरफ दिल्ली की शासन व्यवस्था को ले जाने में योगदान करेगा। देश के पैमाने पर हमारी ये योजना है कि 100 जिलों में हम अप्रैल 2016 तक अपनी सदस्यता आधारित चुनी हुई कमेटियों का निर्माण कर सकें। 27-28 फरवरी को पूरे देश के भ्रष्टाचार से लड़ रहे कार्यकर्ताओं और नायकों का बड़ा सम्मेलन श्री प्रशांत भूषण की पहल पर करने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता अब ये जान चुकी है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये प्रत्याशी उतारा है वो एक दिन भी क्षेत्र में आता नहीं है, और क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा दुखी है इस बात से, और स्वराज के साथ क्षेत्र की जनता जुड़ने लगी है। पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर डी ब्लॉक से राजेंद्र प्रताप की रिपोर्ट, सच दर्शन।